यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के डीमर्जर के बारे में। आरती इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो डीमर्ज हो रहा है, क्योंकि आरती इंडस्ट्री के पास जो बिजनेस है वो दो बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस और दूसरा फार्मा बिजनेस। तो कंपनी अपने फार्मा बिजनेस को अलग करने जा रही है, इससे कंपनी को अपने बिजनेस पे फोकस करने में मदद मिलेगा। तो इसके साथ ही डीमर्जर के साथ ही आरती फार्मा लैब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा और एक नई कंपनी लिस्ट होगा आरती इंडस्ट्री से अलग होकर के। यहाँ पर जो डीमर्जर होगा वो अप्रूवल के लिए जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास और बीएससी के पास, क्योंकि जो नई कंपनी फॉर्म होगी आरती फार्मा लैब वो बीएससी पे लिस्ट होगा, साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट करना है। तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है, तो दोनों से अप्रूवल की ज़रूरत है। साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उससे भी अप्रूवल होगा और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल होगा। इन सारे अप्रूवल्स के बाद कंपनी डीमर्ज होगा और आरती इंडस्ट्री के दो बिजनेसेस जो है अलग हो जाएंगे, जिससे कंपनी स्पेशलिटी और फार्मा दोनों पे फोकस करेगा। आरती इंडस्ट्री के पास स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस रहेगा और फार्मा बिजनेस अलग हो जाएगी, जो कि आरती फार्मा लैब्स के साथ लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पर आरती इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए यहाँ पर 19.8% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है फार्मा सेक्टर से। यहाँ पर आरती फार्मा लैब के पास जो रेवेन्यू होगा वो आरती इंडस्ट्री का फाइनेंशियल 21 का जो रेवेन्यू उसका 19.8% रेवेन्यू होगा। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है कि जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसका भी थोड़ा सा जो पार्ट है वो फार्मा यूनिट में मतलब जाएगा, जो कि होगा मात्र स्पेशलिटी केमिकल्स का 3%। तो इस तरह से आप देखते हैं लगभग 22% जो बिजनेस है आरती इंडस्ट्री का वो आरती फार्मा लैब्स के पास चला जाएगा। यहाँ पर जो शेयर्स मिलेगा, अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 4 शेयर्स हैं, आपको एक शेयर आरती फार्मा लैब्स के मिलेंगे। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आरती इंडस्ट्रीज का है, तो डीमर्जर के बाद आरती फार्मा लैब्स और आरती इंडस्ट्री दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम रहेगा जो कि डीमर्जर के पहले है। डीमर्जर के पहले प्रमोटर्स के पास जो टोटल शेयर है 44.90% और पब्लिक के पास जो है 55.10%। यही डीमर्जर के बाद दोनों कंपनियों का शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। और यहां पर जो आरती फार्मा लैब्स है उसमें आपको एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 4 शेयर हैं। अगर आपके पास 400 शेयर हैं आरती इंडस्ट्री के, तो 100 शेयर जो है आपको आरती फार्मा लैब्स के मिलेंगे। तो डीमर्जर होगा तो बस यही शेयर होल्डिंग का रेशियो होगा, जिस रेशियो में बिल्कुल फ्री शेयर मिलने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को। तो जो भी आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके पास दोनों कंपनियों के शेयर होंगे। अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 100 शेयर हैं तो 25 शेयर आरती फार्मा लैब्स के भी आपके पास होंगे। अब बात करें अगर आरती इंडस्ट्रीज का, तो स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा बिजनेस काफ़ी बेहतरीन और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चर भी है, साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल फार्मास्यूटिकल का विथ ग्लोबल फुटप्रिंट, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का। फार्मास्यूटिकल केमिकल के साथ साथ एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, एडहेसिव, सर्फेक्टेंस और पिगमेंट्स, डाइज, इन सारे सेगमेंट्स में कंपनी अपना बिजनेस करती है। स्पेशलिटी केमिकल जो 83% रेवेन्यू जनरेट करता है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 34,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 957 रुपीज के आसपास का है, डिविडेंड 0.08% का है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर काफ़ी कम आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ग्रोइंग स्टॉक है, तो जो ग्रोथ वाले स्टॉक है उसमें आपको काफ़ी कम देखने ही मिलेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग 44.9% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.71 का है, मतलब टोटल डेट जो है कंपनी के पास 2,492 करोड़ का टोटल डेट है और कंपनी का वही रिजर्व जो है 3,416 करोड़ का है, तो कंपनी इजिली अपना डेट पे कर सकती है। साथ ही साथ कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है 606 करोड़ का, तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात है, यहाँ कॉन्स्टेंट रूप से कंपनी जो है अपना प्रॉफिट ग्रोथ किया है, तो कंसिस्टेंसी जो है कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन दोनों में है। देखिए टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर कंसिस्टेंट रूप से है और बॉटम लाइन ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रूप से है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 ईयर्स में 12% के कंपाउंड ग्रोथ दिखाया है सेल्स,
और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 21% के कंपाउंडिंग से हुआ है, और CAGR जो है प्राइस ग्रोथ का 56%। इतना बेहतरीन स्टॉक और इतनी बेहतरीन रिटर्न। और बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग यहां पर डिक्रीज हुआ है। पिछले दो सालों में 53% था 2018 में, वही अभी 44.90 है, तो काफ़ी अच्छा डिक्रीज यहां पर देखने प्रमोटर्स होल्डिंग में। FIs का होल्डिंग काफ़ी बढ़ा है, यहां पर 2018 मात्र 4% था, वहीं अभी 11.90% है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। DIs होल्डिंग यहां पर 13.62 है, लगभग पिछले दो साल में घटा और बढ़ा है लेकिन कांस्टेंट बना हुआ है। पब्लिक का होल्डिंग अच्छा खासा है 29.57 का, तो हर पैरामीटर्स पे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट का, तो देखिए चार्ट पे जो स्टॉक अपना सपोर्ट बना रखा है, सपोर्ट रीजन है 820 रुपीज़ से 850 रुपीज़ के बीच का जो रीजन है, ये सपोर्ट रीजन बना रखा है। और जो इसका रेसिस्टेंस रीजन है, वो रेसिस्टेंस रीजन है 960 रुपीज़ से 987 रुपीज़। ये रीजन जो है रेसिस्टेंस रीजन है, अगर इसको क्रॉस करता है तो जो 1000 प्राइस है वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन 1000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कंपनी, उसके ऊपर ट्रेड करने लगती है तो फिर यहाँ से एक गजब का मोमेंटम दिखा सकता है। अब यहाँ पर डीमर्जर न्यूज़ के कारण देखते हैं क्या तेज़ी होता है या मंदी आता है। आज तो फिलहाल स्टॉक काफ़ी गिरा है क्योंकि आज मार्केट में भी ओवरऑल गिरावट था। तो देखिए जब गिरावट हो मार्केट में, साथ साथ स्टॉक भी गिरे, तो वहाँ पर जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, तो आप इस गिरावट में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, देखिए लॉन्ग टर्म ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। मात्र 2 रुपीज़ का ये स्टॉक अभी 990 रुपीज़ का हाई लगा चुका है, तो समझ जाइए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। 450 टाइम्स का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे। मात्र ये 2 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था 2001-2002 में, और वहाँ से गजब का मोमेंटम दिखाया। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके ये आपको देगा। तो जैसे ही स्टॉक 1000 ऊपर निकलता है तो आप यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं, या सबसे बेहतर होगा जैसे जैसे स्टॉक गिरता है, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यह स्टॉक, फंडामेंटल्स में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो जितना आप गिरावट मिले उतना ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। जब स्टॉक काफ़ी रन कर जाता है तब इन्वेस्ट करेंगे, निश्चित रूप से आप वहाँ पर फंसेंगे। तो जब स्टॉक काफ़ी मतलब नीचे आ चुका है गिर करके, और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस पे कोई भी टेम्प्रोरी बेसिस या लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, तो उस स्टॉक में जरूर एंट्री करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।